कराची में ऑयल टैंकर्स ग्रैंड कमेटी के सदर फजल रहमान ने कहा है कि किराए में इजाफा नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टम पर काम नहीं किया जा रहा है। तमाम ओएमसीज को मुतनब्बे कर रहे हैं कि हम आपकी तरफ भी आएंगे, एयरलाइन सिस्टम में मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है, इसे रोका जाए। जनरल सेक्रेटरी इरफानुल्लाह मरवत का कहना था कि 20 मुतालबात पर पीएसओ इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ। चीज है उसको मुतनब्बे कर रहे हैं कि हम आपके पास भी इस तरह होके आएंगे अगर आप नहीं हटे। दूसरा क्यू सिस्टम है, क्यू सिस्टम को बहाल किया जाए। उन्होंने अलायंस सिस्टम चलाया है, अलायंस सिस्टम में चोरी कर रहे हैं, अपने मन पसंदीदा लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल में भी 10% कोटा चोरी करके अपने मन पसंदीदा लोगों को दे रहा है। कल तक यही काम हो रहा है। नेप से तफ्तीश तो करवाए पीएसओ का कि कितना कमा रहे हैं। 20 मुतालबों में कुछ मुतालबे अगर ये एमडी कहता है जो यहाँ का इंचार्ज है पीएसओ का कि ये मेरे हाथ में है, इसके अलावा बाकी मेरे हाथ में नहीं है, हमारे इस 20 पे कोई एतराज़ नहीं है, हमारे साथ बैठ जाए, हमारे वो 20 मुतालबों में से जो इसके हाथ में है वो उसको ओके करें। पहले तो हम दलाइल के साथ बात करते हैं कि वो कहता है कि ये नाजायज़ है, हम उसको काटने को तैयार हैं, लेकिन साबित करें। बुलेटिन में खबरों